नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल मोती ज्ञान गुरु जी में। दोस्तों आज का यह वीडियो खास उनके लिए है जो अभी अपने घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल के समय में मच्छर काफ़ी ज़्यादा तेज काटने लगते हैं। जहाँ पर भी आप जाइए, चाहे आप बाजार जाइए या फिर अपने घरों में रहिए, हर जगह पर मच्छर काटते रहते हैं। ऐसे में अगर आप कॉइल जलाते हैं तो मैं बता दूं, एक कॉइल जलाने से जितना ज़्यादा धुआं निकलता है उतना 100 सिगरेट के धुएं के बराबर होता है। मतलब कि अगर आप एक कॉइल जला देते हैं तो इसका मतलब है आपने 100 सिगरेट को जला दिया। अगर आप ऐसे माहौल में सांस लेते हैं तो इसका जो धुआं होता है कहीं ना कहीं हमारे फेफड़ों को नुकसान करता है। कई लोग अपने बच्चों के साथ भी सोते हैं तो वे लोग मोर्टिन जलाते हैं। इसका असर यह होता है कि उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके बच्चे का भी स्वास्थ्य खराब होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, फेफड़ों से जुड़ी हुई परेशानियाँ होने लगती है। तो आज का यह उपाय बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। इसका आप अपने घर में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट तक जलाएंगे तो देखेंगे मच्छर बहुत ही आसानी से भाग जाएंगे, बशर्ते कि आपको इसका जलाने का तरीका सही से पता होना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कैसे आपको इन मुश्किल से 4 चीज़ों का प्रयोग करके मच्छरों को घरों से कैसे भगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो की जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा एक मिट्टी का बर्तन, जी हाँ इस तरह से, और इसमें आपको पहला चीज लेना है दोस्तों यहाँ पर सरसों का तेल। तो आप यहाँ पर सरसों का तेल इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें लेना है दोस्तों कपूर की टिकिया, यह वही कपूर है जो आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। यह आपको आपके आसपास के बगल वाली किराने की दुकान में आसानी से मिल जाती है। आप यहाँ पर अगर एक मिट्टी का दिया लिए हुए हैं, इसमें तेल डाले हुए हैं, तो आप यहाँ पर 3 से 4 कपूर को लीजिए और इसमें तोड़ करके डाल दीजिए। इसके बाद आपको इसमें डालना है दोस्तों यहाँ पर नीम का तेल। जी हाँ, नीम का तेल बहुत ही अद्भुत है। इसको जलाने से मच्छर बहुत ही आसानी से आपके घर से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों नीम के तेल में ऐसे तत्व होते हैं जो मच्छरों को बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो आप यहाँ पर नीम का तेल भी डाल दीजिए। आप जितना भी सरसों का तेल ले रहे हैं उसका 1/4 यानी कि आधा से आधा नीम का तेल इसमें डालिए। इसके बाद आप इसे थोड़ी से चम्मच की सहायता से अच्छे से इसे मिलाइए, ताकि हमारा कपूर और नीम का तेल और सरसों का तेल आपस में मिल सके और इनका जो रेशियो है वह बहुत ही अच्छे से अनुपात में आ जाए। इसके बाद आप यहाँ पर लीजिए दोस्तों ये बत्ती, आप यहाँ पर रुई की सहायता से बत्ती को बना सकते हैं। इसके बाद आप इसे इस तरह से जला दीजिए। इसे जलाने के बाद आप अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को थोड़ी देर के लिए बंद करके रखिए, ताकि इसका जो धुआं है वो आपके घर के कोने कोने में फैल सके और आप थोड़ी देर के बाद अपने घरों के दरवाजे व खिड़कियों को खोल दें, जिससे मच्छर आपके घर से बाहर निकल जाएंगे। हो सके तो आप इसका इस्तेमाल शाम में कीजिए, सुबह में कीजिए, आप अपने अनुसार इसको जलाइए, देखेंगे मच्छर भाग जाएंगे।